मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग तो सभी ने सुना ही होगा और इस डायलॉग को बोलने वाले स्वर्गीय अभिनेता अमरीश पुरी भी सभी को याद ही होंगे, जिन्होंने कई दमदार फिल्मों में अपनी खलनायकी से अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छुड़ाते हुए वो शोहरत पाई थी कि आज इनके जाने के बाद भी दुनिया इन्हें याद करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इनकी मौत का सच जानते हैं कि ये कैसे, कब और किस कारण से 70 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए? अगर नहीं तो आज हम आपको इनके निधन का चौंका देने वाला सच बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भी हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक और खतरनाक विलन्स की बात होती है तो जहन में सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम जरूर आता है। वही अमरीश पुरी जिन्होंने मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो बनकर सबका दिल जीता था। वही अमरीश पुरी जिन्हें लोग दुनिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट विलन मानते हैं। वही अमरीश पुरी जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर एक भावुक पिता से लेकर पारिवारिक किरदार भी निभाए हैं, लेकिन इन्हें स्टारडम विलन के किरदारों से मिली थी, जो आंखों से एक्टिंग करते थे और इनकी दमदार आवाज उसमें जान फूंक देती थी। लेकिन 12 जनवरी 2004 में अमरीश पुरी का निधन हो गया, क्योंकि ब्रेन हेमरेज ने इनकी जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमरीश पुरी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था। दरअसल जब 2003 में फिल्म जालदा ट्रैप की शूटिंग चल रही थी तो इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में इन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी और काफी खून भी बह गया था। ऐसे में तुरंत ही इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें खून की सख्त जरूरत है। खून बह गया है, लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके बाद इन्हें खून से जुड़ी ये बीमारी हो गई। इसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे और इन्हें भूख लगनी भी कम हो गई। लेकिन जब अमरीश पुरी को पता चला कि इनकी बीमारी कितनी खतरनाक है तो इन्हें तगड़ा झटका लगा था। लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो कितने स्ट्रांग है। लेकिन 72 साल की उम्र के पड़ाव पर अब इनके शरीर में कुछ नहीं बचा था। ऐसे में ये बहुत बीमार थे और स्थिति खराब थी, लेकिन ये बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे, इसलिए ये घर पर भी काफी कम वक्त रुकते थे। लेकिन फिर एक दिन ये घर में ही गिर पड़े, क्योंकि इन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके कारण इनका निधन हो गया। ऐसे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था, जिनका शॉक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई थी। यहाँ तक कि इनकी आखिरी झलक पाने को लोग शमशान भूमि में पेड़ों पर चढ़ गए थे। वेल दोस्तों, क्या अमरीश पुरी जैसे महानायक को खोने का दर्द आपको भी है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।